नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया वुमन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमन के बीच में इस वुमन T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 18 खेले जाने वाला है। अब इस मुकाबले की हमको ग्रैंड लीग की टीम किस तरीके से क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सालों को अगर इनका T20 का रिकॉर्ड देखा जाए तो टोटल 19 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 14 मुकाबले तो भाई ऑस्ट्रेलिया वुमन ने जीता है और इंडिया की वुमन ने अभी तक केवल 3 बार ही मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के सामने जीते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो काफी ज्यादा पावरफुल टीम होने वाली है यहाँ पे, और इंडिया वुमन की जो टीम है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई काफी ज्यादा नजर आने वाली है। तो हमको जो ग्रैंड लीग की टीम के अंदर खिलाड़ी जो लेके चलना है वो भी उसी हिसाब से लेके चलना है। और पिछले मुकाबले के अंदर आपने देखा है कि भाई पाकिस्तान के सामने गार्डनर ने काफी जबरदस्त विकेटें चटकाई थी और कैप्टन भी बन के आई थी, लेकिन क्या इस वाले मुकाबले के अंदर हमको गार्डनर को कैप्टन करना चाहिए या फिर किसी दूसरे खिलाड़ी को सीवीसी क्रिएट करना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि भाई लगातार तो फ्लॉप होते आया है, लेकिन इंडिया वुमन के सामने उनका रिकॉर्ड जबरदस्त है। तो यहाँ पे भाई वो खिलाड़ी कौन सा है, काफी सारे लोग ड्रॉप आउट कर सकते हैं, सीवीसी भी नहीं बनाएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन भाई आप उनको सीवीसी जरूर से बनाना इस वाले मुकाबले के अंदर, क्योंकि भाई आपके लिए वो एक बेस्ट खिलाड़ी भी रहेगा। अब वो कौन सा खिलाड़ी है वो भी मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई बॉलिंग वाले सेक्शन में अब की बार कौन सा खिलाड़ी हमको लेके चलना चाहिए, क्या इंडिया के बॉलर हमको ज्यादा रखना है या फिर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हमको ज्यादा रखना है, और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर अगर हमको ज्यादा रखना है तो भाई हमको कौन सा खिलाड़ी लेके चलना है, कौन सा खिलाड़ी ड्रॉप आउट करना है, भी इस वाली वीडियो के अंदर आपको डिटेल से जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ऑलराउंडर वाले सेक्शन में भी डिटेल से बताने वाला हूँ कि कितने खिलाड़ी लेके चलना है, कौन से खिलाड़ी लेके चलना है, और बैटिंग वाले सेक्शन में भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, और विकेट कीपर वाले सेक्शन में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और अगर आप भी इस वाले मुकाबले की मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सभी खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि फ्लॉप जाने वाले हैं और कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि भाई सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे, और इन सभी खिलाड़ियों में से हमारे लिए वो 2 खिलाड़ी सीवीसी के लिए बेस्ट कौन से होने वाले हैं। और गाइस इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा ऑफर लेके आया हूँ जो कि भाई फैंटेसी की दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपको मिलेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। दोबारा सुनो, 5 मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो, वो भी सिर्फ 1-1 रुपए में, और ये अगर आपका फर्स्ट कॉन्टेस्ट है, और अगर आप जीत गए तो आपको मिलेंगे पूरे 1 करोड़। अब ये ऑफर कैसे क्या मिलेगा वीडियो में आगे बताऊंगा, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको ग्रैंड लीग की रिक्सी टीम भी बना के बताने वाला हूँ जो कि भाई आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करने वाली है। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और लाइक का टारगेट ओनली फॉर 2000 लाइक का है, और मुझे उम्मीद आप सभी से 2000 लाइक तो पूरा करवा ही दोगे। तो जिसने भी भाई अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो भाई फटाफट से जाके लाइक का बटन दबा देना, और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि इस वाले मुकाबले के लिए आप टोटल कितनी टीमें बना रहे हो। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इन सभी खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। ऊपर ही पर देखोगे तो यहाँ पे आपको बेथ मुनी देखने को मिल जाएंगे, फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एलिसा हिली देखने को मिल जाएंगे, रिचा घोष देखने को मिल जाएंगे, यस्तिका भाटिया देखने को मिल जाएंगे, और चित्रे देखने को मिल जाएंगे। ये 5वें खिलाड़ी आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अब इन 5वें खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा, बेस्ट खिलाड़ी कौन सा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बेथ मुनी की। इस वर्ल्ड कप के अंदर लगातार 3 मुकाबले बेथ मुनी ने भी खेला है, और तीनों ही मुकाबलों के अंदर इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस हमको करके दिया है। पिछले मुकाबले के अंदर ये भले ही ज्यादा रन नहीं बनाए थे पाकिस्तान के सामने और जल्दी फ्लॉप हुए थे, लेकिन भाई इंडिया के सामने बेथ मुनी का जो रिकॉर्ड है वो 1 नंबर है, यानी कि भाई जबरदस्त बैटिंग करती है इंडिया के सामने। तो इसीलिए भाई बेथ मुनी जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाली है। तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर बेथ मुनी को जरूर से लेके चलना। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको एलिसा हिली देखने को मिल जाएंगे। देखो एलिसा हिली को केवल 55% लोग ही लेके चल रहे हैं, यानी कि ज्यादातर लोग इनको नहीं लेके चलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वुमन का, उसके अंदर भाई एलिसा हिली ने काफी जबरदस्त रन बनाए थे इंडिया के सामने ही। तो ये बिल्कुल भी भूल मत करना कि भाई केवल 55% लोग लेके चल रहे हैं तो भाई हम इनको क्यों लेके चलें। और इनके पास स्टंप आउट करने का भी ऑप्शन है, यानी कि भाई वो भी आपको एडवांटेज एक्स्ट्रा इनसे मिलता है। और पाकिस्तान के सामने जो पिछला मुकाबला हुआ था उसके अंदर भी आपने देखा है कि भाई 2 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया था इन्होंने, और 25% इनको वहां से मिले थे। तो इसीलिए भाई एलिसा हिली को तो बिल्कुल भी इस वाले मुकाबले के अंदर कमजोर मत समझना, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाला है। तो भाई इसीलिए आप अपनी हर टीम के अंदर एलिसा हिली को तो जरूर से लेके चला। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको ऋचा घोष देखने को मिल जाएंगे। लगातार 3 मुकाबले ऋचा घोष ने भी खेला है, ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं किया है। तो इसीलिए अगर आप ऋचा घोष को छोड़ना चाहते हो तो भाई छोड़ के चल सकते हो, जो कि भाई आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ये नहीं होने वाला है। बाकी नीचे आपको यस्तिका भाटिया देखने को मिल जाएंगे, इनके खेलने के चांसेस कम है, लाइनअप में आने के चांसेस कम है, तो इसीलिए भाई फिलहाल यहाँ पे यस्तिका भाटिया को भी हम छोड़ के चलने वाले हैं। बाकी चित्रे तो वैसे भी लाइनअप में नहीं आने वाले हैं, तो भाई फिलहाल हम इनको वैसे भी छोड़ के ही चलेंगे। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन में अगर देखा जाए ऑल ओवर
तो भाई ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन में आप ज्यादा खिलाड़ी बिल्कुल भी मत लेके चलना, जो कि भाई आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। बाकी क्या विकेट कीपर वाले सेक्शन में इन दोनों खिलाड़ियों में से हमको किसी खिलाड़ी को सीवीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बैटिंग वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एलिस पेरी देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद स्मृति मंदाना देखने को मिल जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर हरमनप्रीत कौर देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको तानिया मेघराज देखने को मिल जाएंगे, फिर नीचे देखोगे तो यहाँ पर जमीमा रोड्रिगस देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद शेफाली वर्मा देखने को मिल जाएंगे, और नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको फेपी लिचफील्ड देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद हारिस देखने को मिल जाएंगे। और ये दो खिलाड़ियों को आप वैसे भी छोड़ के चल सकते हो, क्योंकि भाई इनके बैटिंग लाइन काफी ज्यादा नीचे है और ऑस्ट्रेलिया के सामने भाई रिकॉर्ड भी उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो भाई इसीलिए फिलहाल इन दोनों खिलाड़ियों को हम छोड़ के चलेंगे। बाकी ऊपर से ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको बैटिंग से देखने को मिल जाते हैं। अभी इन सारे खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है, बेस्ट खिलाड़ी कौन सा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एलिस पेरी की। पिछले तीन मुकाबले एलिस पेरी ने भी खेले हैं, तीनों ही मुकाबलों के अंदर कहीं ना कहीं ये फ्लॉप गए थे, ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, और सेम इसी की वजह से क्या है कि भाई लोग इनको छोड़ना भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि केवल 57% लोग इनको लेके चल रहे हैं, ज्यादातर लोग इनको नहीं लेके चल रहे हैं। रीजन क्या है, तीन मुकाबलों के अंदर फ्लॉप गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई इंडिया के सामने जब जब भी मैच हुए थे वहां पे भाई एलिस पेरी जो है वो काफी जबरदस्त पारी खेलते हुए भी नजर आई है, और पिछला जो T20 वर्ल्ड कप गया था उसके अंदर भी आपने देखा है कि भाई फाइनल मुकाबले के अंदर एलिस पेरी ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर भी इंडिया के सामने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। तो इसीलिए भाई पेरी को आप बिल्कुल भी कम मत समझना, ये आपके लिए पंत प्लेयर होंगे इस वाले मुकाबले के लिए, ये चीज भी आप नोट डाउन करके रख लेना। तो इसीलिए आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर पेरी को लेके भी चलना चाहते हो तो भी आराम से लेके चल सकते हो। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर काफी सारे लोग स्मृति मंदाना को लेके चलने वाले हैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर, लेकिन इस वाले मुकाबले के अंदर भाई स्मृति मंदाना फ्लॉप जाने वाला है, इनका विकेट फर्स्ट ओवर के अंदर ही निकलेगा। तो इसीलिए अगर आप ड्रॉप आउट भी करना चाहो तो भी भाई स्मृति मंदाना को कर सकते हो, हालांकि काफी सारे लोग अपनी टीमों के अंदर तो लेके चलेंगे, लेकिन भाई ग्रैंड लीग के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो तो भाई आप इनको छोड़ के चल लेना। बाकी अगर आप ये चाहते हो कि यार मेरी टीम सेफ टीम बन जाए तो आप इनको लेके चल लेना, लेकिन ग्रैंड लीग वाले भाई इनको आप छोड़ के चल सकते हो। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको हरमनप्रीत कौर देखने को मिल जाएंगे, अगर आपको इंडिया की तरफ से खिलाड़ी एक लेना है तो आप हरमनप्रीत कौर को लेके चल सकते हो, क्योंकि लगातार दो मुकाबलों से भाई हरमनप्रीत कौर ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और पिछले मुकाबले के अंदर तो भाई रन भी काफी जबरदस्त इन्होंने बनाए थे, और इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो भी भाई तीसरे चौथे नंबर के ऊपर है, और इंडिया का अगर एक आध ओपनर जल्दी आउट भी हो जाता है तो भी भाई यहाँ पे हरमनप्रीत कौर आपको कुछ रन बना के दे सकती है। तो भाई इसीलिए भाई अगर आपको लेना है तो भाई आप यहाँ पे हरमनप्रीत कौर को लेके चल सकते हो और स्मृति मंदाना को छोड़ के चल सकते हो। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको तानिया मेघराज देखने को मिल जाएंगे, ये ज्यादा कुछ खास खिलाड़ी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि भाई इनका जो बैटिंग है वो आता है लगभग छठे या फिर सातवें नंबर के ऊपर, तो बैटिंग तो भाई इनकी नहीं आने वाली है, क्योंकि भाई ऊपर वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी काफी जबरदस्त है, बॉलिंग से हाँ एक आध विकेट ये चटका सकते हैं, लेकिन उनकी भी गुंजाइश कम होगी, क्योंकि भाई लगातार तीन मुकाबलों के अंदर इन्होंने ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो इसीलिए अगर आप छोड़ना भी चाहते हो तो भी भाई यहाँ पर आप तानिया मेघराज को छोड़ के चल सकते हो। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको जमीमा रोड्रिगस देखने को मिल जाएंगे, केवल 11% लोग इनको लेके चल रहे हैं, ज्यादातर लोग नहीं लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी अगर आप बहुत ही ज्यादा टीमें बनाते हो तो एक आठ टीम के अंदर आप इनको लेके चल सकते हो, क्योंकि चौथे नंबर के ऊपर ये बैटिंग करने आने वाले हैं, और शुरू में अगर विकेट जल्दी निकल जाती है इंडिया की तो भाई यहाँ पे मिडिल ओवर के अंदर कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत रन बना के दे सकते हैं, यानी कि 20 या फिर 25 रन बना के दे सकते हैं, और उनमें अगर तीन चार चौके भी लगा देते हैं तो भी भाई इनको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप ज्यादा टीम बना रहे हो तो आप इनके ऊपर सोच सकते हो, बाकी अगर आप कम टीम में बनाते हो तो आप इनको छोड़ के चल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको शेफाली वर्मा देखने को मिल जाएंगे, लगातार दो मुकाबलों से आपने देखे है कि भाई शेफाली वर्मा ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, और शेफाली वर्मा गाइस टिक भी जाते हैं, जल्दी आउट नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आपको इंडिया के और भी खिलाड़ी लेके चलना है तो भाई वो यहाँ पर आप शेफाली वर्मा के ऊपर भी जा सकते हो। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको फेपी लिचफील्ड देखने को मिल जाएंगे, इनकी जो बैटिंग है वो लगभग पांचवें नंबर के आसपास आने वाली है इस वाले मुकाबले के अंदर, तो आप इनको भी छोड़ सकते हो, क्योंकि भाई इंडिया के सामने एलिसा हिली का भी रिकॉर्ड अच्छा है, बेथ मुनी का भी रिकॉर्ड अच्छा है, एलिस पेरी का भी रिकॉर्ड अच्छा है, गार्डनर का भी रिकॉर्ड अच्छा है, तो इसीलिए ये जो खिलाड़ी है ये आपको अच्छी खासी बैटिंग करके देने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर आप फेपी लिचफील्ड को छोड़ के चल सकते हो। हारिस के इस वाले मुकाबले के अंदर खेलने के चांसेस कम होने की वजह से फिलहाल हम यहाँ पे इनको छोड़ के चलने वाले हैं। बाकी नीचे के ये दोनों ही खिलाड़ियों को हम फिलहाल यहाँ पे छोड़ेंगे। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में इंपोर्टेंट खिलाड़ी कौन सा है, ड्रॉप आउट किसको करना है, वो मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है। बाकी क्या जो खिलाड़ी मैंने बताया है इनमें से किसी खिलाड़ी को इस वाले मुकाबले के अंदर हमको सीवीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ऑलराउंडर वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन उससे पहले चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई कैसा आप
जीत सकते हो 1 करोड़, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। 13 अक्टूबर को वुमन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का मैच है इंडिया वुमन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमन के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड करें My11Circle ऐप और अभी जाके टीम बनाओ। आप 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, वो भी सिर्फ 1 रुपए में, मतलब 5 टीम सिर्फ 5 रुपए में। और आपको मिलेगा मौका ग्रैंड लीग जीतने का, जिसमें फर्स्ट प्राइज ही न्यू यूजर फॉर 1 करोड़ है। इतने छोटे पूल साइज में ही आपको मिल रहा है फर्स्ट प्राइज पूरे 1 करोड़, पर ये मौका सिर्फ न्यू यूजर को ही मिलेगा, वो भी अपने पहले कॉन्टेस्ट पे। और 1 से ज्यादा टीम बना सकते हो, और अगर आप ज्यादा टीमें बनाते हो तो भाई आपके जीतने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और इतना ही नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप जाके डाउनलोड करते हो और मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपके फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर आपको 20% का एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिलेगा। मतलब अगर आपका फर्स्ट डिपॉजिट 1000 का है तो भाई यहाँ पर आपको 1200 मिलने वाला है, और साथ ही मिलेगा आपको 1500 रुपए का बोनस कैश भी। तो मैंने तो अपनी टीम बना ली है My11Circle ऐप के ऊपर इंडिया वुमन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमन के बीच के मैच के लिए। आप भी जाके जरूर से बनाना, My11Circle ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हाँ, ये भी याद रखना, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग ए फाइनेंशियल रिस्क, प्ले ऑन रिस्पॉन्सिबिली। बाकी अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ऑलराउंडर वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पे आपको दीप्ति शर्मा देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद एशली गार्डनर देखने को मिल जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे जॉर्ज वरहम देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद पूजा वस्त्राकर देखने को मिल जाएंगे। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सदरलैंड देखने को मिल जाएंगे, और ये तीनों ही खिलाड़ियों के खेलने के चांसेस कम होने वाले हैं। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी ऑलराउंडर से देखने को मिल जाते हैं। अब भी इन सारे खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है, बेस्ट खिलाड़ी कौन सा है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दीप्ति शर्मा की। लगातार 2 मुकाबलों से तो भाई दीप्ति शर्मा ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, और इस वाले मुकाबले के अंदर भाई दीप्ति शर्मा की जो बैटिंग है वो आने वाली है, क्योंकि इंडिया के टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होने वाला है और इनकी जो बैटिंग है वो लगभग 4th-5वें नंबर पे आती है। तो इस वाले मुकाबले के अंदर दीप्ति शर्मा आपको बैटिंग भी काफी जबरदस्त करती हुई नजर आने वाली है और बॉलिंग भी काफी जबरदस्त करती हुई नजर आने वाली है। और ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड देखा जाए तो भाई काफी जबरदस्त है, हर बार ये अच्छे खासे रन भी बनाती है ऑस्ट्रेलिया के सामने, विकेटें भी चटकाती है। तो इसीलिए भाई यहाँ पे दीप्ति शर्मा भी आपके लिए ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी निकल सकते हैं। तो इसीलिए गाइस इस वाले मुकाबले के अंदर आप इनको तो बिल्कुल भी ड्रॉप आउट मत करना, चाहे कोई सी भी टीम बना रहे हो, चाहे स्मॉल लीग चाहे ग्रैंड लीग, हर टीम के अंदर दीप्ति शर्मा को तो जरूर से रखना। बाकी गार्डनर की बात की जाए तो भाई ये वैसे भी फिक्स खिलाड़ी होने वाले हैं, क्योंकि लगातार मैचों के अंदर भाई जबरदस्त पारियां इन्होंने खेली है, बॉलिंग से भी देख सकते हो और बैटिंग से भी देख सकते हो, दोनों से ही भाई परफेक्ट खिलाड़ी है। तो भाई इसीलिए आप इनको तो आंख बंद करके अपनी हर टीम के अंदर लेके चलना। जॉर्ज वरहम की बात की जाए तो भाई ये एक बेस्ट खिलाड़ी है, बॉलिंग काफी जबरदस्त करेंगे और इस वाले पिच के ऊपर तो वैसे भी स्पिनर को ज्यादा एडवांटेज मिलता है, तो यहाँ पे ये तो विकेटें वैसे भी इंडिया की निकालने ही वाली है, तो इसीलिए भाई जॉर्ज वरहम को भी जरूर से लेके चलना। बाकी पूजा वस्त्राकर को अगर आप छोड़ना चाहो तो भाई छोड़ के चल सकते हो, जो कि भाई आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होने वाले हैं। लगातार 3 मुकाबलों से भी आपने देखे है कि भाई फ्लॉप होते ही आए हैं, और वैसे भी भाई ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वो इंडिया के सामने जबरदस्त है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इस वाले मुकाबले को वैसे भी जीतने की पूरी कोशिश करने वाली है, तो इसीलिए भाई पूजा वस्त्राकर को भी आप छोड़ के चल सकते हो। बाकी सदरलैंड तो वैसे भी बेस्ट खिलाड़ी है, बॉलिंग से ये विकेट आराम से चटका रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो इसीलिए भाई सदरलैंड को तो आप जरूर से रखना। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में ड्रॉप आउट करने वाला खिलाड़ी केवल एक ही है, और वो है यहाँ पे पूजा वस्त्राकर। बाकी इनके अलावा जो भी खिलाड़ी ऑलराउंडर से है वो आप आराम से लेके चल सकते हो, क्योंकि भाई आपके लिए एक बेस्ट खिलाड़ी निकल के आने वाला है। चाहे तो आप बॉलिंग वाले सेक्शन में खिलाड़ी कम कर लेना, लेकिन ऑलराउंडर के ये खिलाड़ी तो जरूर से लेके चलना। बाकी क्या ऑलराउंडर के इन खिलाड़ियों में से हमको किसी खिलाड़ी को सीवीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बॉलिंग वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको मगन छूट देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर देखने को मिल जाएंगे, मोलिनिक्स देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद राधा यादव देखने को मिल जाएंगे, फिर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको श्रृंका पाटिल देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद डासी ब्राउन देखने को मिल जाएंगे, फिर इसके बाद आशा शोभना देखने को मिल जाएंगे, फिर नीचे आपको वालिनिमेक्स देखने को मिल जाएंगे, अलीना किंग देखने को मिल जाएंगे, अरुंधति रेड्डी देखने को मिल जाएंगे। बाकी नीचे के ये दोनों ही खिलाड़ियों को आप छोड़ के चल सकते हो। ये सारे के सारे खिलाड़ी बॉलिंग से देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है, बेस्ट खिलाड़ी कौन सा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मगन छूट की। टोटल 3 मुकाबले इन्होंने भी खेला है, जिनमें से पिछले मुकाबले के अंदर तो ये ज्यादा कुछ खास विकेटें नहीं निकाल पाए थे, लेकिन उनसे पहले जो 2 मुकाबले हुए हैं उसके अंदर लगातार बैक टू बैक इन्होंने अच्छी खासी विकेटें चटकाई है। फॉर्म देखी जाए तो भाई काफी जबरदस्त है मगन छूट की, तो इसीलिए भाई इनको तो आप जरूर से रखना अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। बाकी नीचे आपको रेणुका सिंह ठाकुर देखने को मिल जाएंगे, ये भी काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इस वाले मुकाबले के अंदर एक आध विकेट ये चटका सकती है, तो इसीलिए अगर आप इनको लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी है वो काफी जबरदस्त है, शुरू से लगा के नीचे तक भाई काफी जबरदस्त खिलाड़ी होते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमन के पास। तो यहाँ पे इंडिया की जो वुमन है वो पूरी पूरी ऑल आउट भी होगी। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे कि इंडिया वुमन जो है वो यहाँ पे अगर स्कोर खड़ा करती है 100 या फिर 120 का, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर है जैसे कि बेथ मुनी हो गई, एलिसा हिली हो गई, पेरी हो गई, ये 3 खिलाड़ी ही रन चेस
चेज करवा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ही खिलाड़ियों का रिकॉर्ड इंडिया के सामने जबरदस्त है। तो ये चीज भी नोटिस कर लेना, अगर वो तीनों ही खिलाड़ी रन चेज करवाते हैं तो भाई ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट है वो कम निकलेगी, तो यहाँ पे इंडिया के जो बॉलर है वो इतने ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होंगे। तो ये लॉजिक भी आप दिमाग में रख के जोर से चलना, ताकि आप जब भी टीम बनाओगे तब आपके लिए एक बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। तो इसीलिए भाई फिलहाल यहाँ पर हम रेणुका सिंह ठाकुर को लेके चलने वाले हैं। बाकी स्पिनर को हेल्प होने की वजह से भाई मोलिनी जो है वो आपके लिए एक ट्रंप कार्ड खिलाड़ी निकल के आ सकता है। केवल यहाँ पे 64% लोग इनको लेके चल रहे हैं, ज्यादातर लोग इनको नहीं लेके चलेंगे। सीवीसी तो बिल्कुल कम परसेंट लोग इनको बनाएंगे, लेकिन भाई सीवीसी का बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मोलिनी हो सकती है, ये चीज भी आप नोटिस कर लेना, क्योंकि रिकॉर्ड इनके काफी जबरदस्त है बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से ही। बाकी राधा यादव के खेलने के चांसेस कम होने की वजह से फिलहाल हम यहाँ पे छोड़ के चलने वाले हैं। बाकी लगातार दो मुकाबलों से श्रृंखला पाटिल ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन वही बात है सामने वाली टीम थोड़ी सी दमदार टीम है, तो इसीलिए अगर आप इंडिया के बॉलर भी लेके चल रहे हो तो भी ज्यादा मत लेके चलना। बाकी श्रृंखला पाटिल को अगर आप एक आर टीम के अंदर लेना चाहो तो लेके चल सकते हो। बाकी डासी ब्राउन को आप छोड़ के चल लेना, आशा शोभना को भी अगर आप छोड़ना चाहो तो भी छोड़ के चल सकते हो। और नीचे आपको अरुंधति रेड्डी देखने को मिल जाएंगे, लगातार दो मुकाबलों से विकेटें काफी जबरदस्त निकाली है, लेकिन यहाँ पे वही चीज रहेगी कि भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रहेगी सामने, तो यहाँ पे थोड़ी सी कम विकेटें निकलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप ज्यादा टीमें बना रहे हो तो एक दो टीमों के अंदर भले आप इंडिया के बॉलर रख लेना, लेकिन ज्यादा टीमों के अंदर मत रखना, क्योंकि इंडिया के बॉलर उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में क्या सिचुएशन होने वाली है, कौन सा खिलाड़ी लेना है, ड्रॉप आउट किसको करना है, कितने खिलाड़ी कौन सी टीम के लेके चलना है, सारा कुछ डिटेल से बताई दिया है। लगभग सारी सेक्शन से बता दिया है कि कौन से सेक्शन से कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और कौन से प्लेयर को आपको ड्रॉप आउट करना चाहिए। बाकी अब मैं आपको ग्रैंड लीग की रिक्सी टीम बना के बता देता हूँ, जो कि भाई आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो फिलहाल हमारा ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। विकेट कीपर वाले सेक्शन में मैंने इनको लिया है, बैटिंग से मैंने इनको लिया है, ऑलराउंडर से इनको लिया है और बॉलिंग वाले सेक्शन में इनको लिया है। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो भाई कैप्टन मैंने यहाँ पे पेरी को बनाया है और वाइस कैप्टन मैंने इनको किया है, क्योंकि भाई हमारे लिए एक बेस्ट खिलाड़ी होने वाला है सीवीसी के लिए। तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के इनको सीवीसी आप बना के चल सकते हो, क्योंकि भाई आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंज होंगे लाइनअप आने के बाद, तो सारे के सारे चेंजिंग जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो भाई टेलीग्राम को पक्का से ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट फाइनल टीम आपको वहीं पे मिलने वाली है। बाकी ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अगर आपने माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके माय 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको ₹1 में 5 कॉन्टेस्ट खेलने का आपको मौका मिल रहा है। और साथ ही अगर आप एक नए यूजर हो और पहली बार माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो भाई यहाँ पर आपके फर्स्ट प्राइज यहाँ पर आपको 1 करोड़ मिलने वाला है, और साथ ही अपना फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो भाई 20% का भी एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा, और साथ ही भाई 1500 का भी बोनस मिलने वाला है। तो इसीलिए भाई माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हाँ ये भी याद रखना, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग है फाइनेंशियल रिस्क, प्ले ऑन रिस्पॉन्सिबली। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लाइक का टारगेट दिया था वो जरूर पूरा करना। इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।